एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 11 तारीख का और अभी ना सुबह के 9 बजे हुए हैं। तो बस यहाँ पर अभी सभी लोग चले गए थे, बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस, और 9 बजे के बाद मैं हो गई हूँ फ्री। बाकी बचा हुआ काम मेरा अभी मैं कर रही हूँ कपड़े सुखाने का, जो कि सुबह से रखे हुए थे, तो इनको डाल देते हैं बाहर बालकनी में। और आज ना बहुत सारा काम है, तो मैं सोच करके ही बैठी थी कि आज मैं सुबह से लेकर के अपना सारा काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा फैला है। अभी आप लोग ने देखा ही है, मेरे घर में जो किचन है मेरी, वो रिपेयर हो रही है, तो सामान काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि क्या क्या काम हुआ है। तो देखिए, किचन का ये जो सिंक एरिया है, यहाँ पर टाइल्स नहीं लगी थी, तो इसी को हमने कम्प्लीट करवाया है। और ये काम कल हुआ था, मतलब एक दिन फर्श बना है और उसके अगले दिन फिर ये काम हुआ है टाइल्स का। तो यहाँ पे ना पहले पूरा सीमेंट से प्लास्टर किया गया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था देखने में, तो फिर हमने ये टाइल्स लगवाई है और अब यहाँ पर अच्छा लगने लगा है, देखने में सुंदर लगने लगा है। वैसे तो ये मैचिंग के टाइल्स नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी बेहतर दिखने लगा है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो सीमेंट था ना, और जो पहले का, तो वो भी टूटा फूटा सा था। तो देखिए अभी यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना। और मेरा जो किचन है, लगभग यहाँ का जो काम होना था ना, वो सारा काम हो चुका है, रिपेयरिंग का जो काम अभी हमने करवाया था। तो ये देखिए, साइड में अभी प्लेटफॉर्म के साइड साइड का जो एरिया होता है ना, जहाँ पे आप वाइट सीमेंट देख रहे हैं, भरा गया है, यहाँ पे पूरा निकल गया था। तो जो चींटियाँ होती हैं ना, वो यहाँ पे आती जाती थी और पता नहीं चलता था चींटियाँ जा कहाँ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ये उखड़ा हुआ सा था, तो यही हमने फिल कराया है वाइट सीमेंट। और अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ किचन की जो हालत हुई है ना, बहुत ज़्यादा गंदी है, मतलब इतनी ज़्यादा गंदी है, क्योंकि यहाँ पे काम हुआ है तो डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। हर जगह, हर कोने में, हर छोटी बड़ी चीज़ जो भी यहाँ पर रखी थी ना, वो सब बहुत गंदी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने बताया था ना कि छूट गई थी, वो रखी रह गई थी, थोड़ा बहुत सामान मैं ले गई थी, लेकिन सब कुछ मैं नहीं हटा पाई थी, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया था कि अब साफ़ तो करना था। वैसे भी गंदी थी मेरी किचन। और ये है मेरे बर्तनों का स्टैंड, जो कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। और इसमें कुछ बर्तन भी रखे रह गए थे, ये जितने बर्तन इसमें रखे रह गए थे, बस उतने ही रखे हैं। तो इसमें पूरी एक तरफ से धूल जम गई है, तो इसको भी मुझे साफ़ करना है। और काम इतना ज़्यादा है ना आज के, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो सारा काम आसानी हो जाएगा करने में। तो प्लेटफॉर्म भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सामान रखा है, और इंडक्शन भी जैसे तैसे, मतलब जैसे पहले रखा था बिल्कुल वैसे ही रखा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तो चलिए अब इसको मैं साफ़ करूँगी और आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। इतनी गंदी सी किचन को मैं आज अच्छा बना करके रहूँगी, साफ़ सुथरा करके रहूँगी। तो सुबह ही मैं लग गई हूँ, लगभग 9:30 और 9:45 के आसपास से मैं लगी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो चलिए ऊपर से मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर में जो भी धूल मिट्टी होगी ना, वो नीचे गिर कर के आएगी। तो पहले ऊपर का एरिया मैं साफ़ करूँगी, इसके बाद फिर यहाँ के नीचे की सफाई होगी। तो मैं तो यहाँ पे चढ़ गई थी, ये जो प्लेटफॉर्म है ना मेरा, वहीं पे मैं चढ़ करके और फिर यहाँ की सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पर जो सबसे ऊपर की रैक बनी हुई है ना, तो यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगा है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी जो हो जाता है ना, एग्जॉस्ट फैन खींच लेता है, तो उसको मैं साफ़ करी झाड़ू लेकर के। और रैक में काफ़ी ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी सी आ जाती है, और ये रैक किसी भी काम का नहीं है। पहले मुझे लगता था ये बहुत काम का होगा, यहाँ पे मैं बहुत सारा सामान रखूँगी, और मैंने रखा भी है, एक दो चीज़ें मैंने रखी हैं, ज़्यादा नहीं रखी हैं। लेकिन अभी जब मैंने देखा ना, इन सारे सामानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी वाली गंदगी जम गई है। तो अभी मैं ये सामान अब यहाँ से हटा लूँगी, क्योंकि अभी लगभग 6 महीने हुए हैं, और अगर और टाइम तक रखा रह गया तो इन सामानों की हालत पता नहीं क्या हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर साफ़ कर दूँगी, और यहाँ पे जो प्लास्टिक सीट लगी है ना, इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँगी, कोई भी काम का नहीं है ये, क्योंकि सामान भी मुझे नहीं रखना है और ये प्लास्टिक सीट बस गंदी हो रही है। तो इसको मैं कहीं और बिछा दूँगी, बच्चों के अलमारी में, जहाँ पे बच्चों के कपड़े रखे रहते हैं।
तो इसको साफ़ करके फिर मैं ऐसे ही कुछ करने वाली हूँ। और ऊपर का मतलब सारा मैंने हटा दिया है, झाड़ू मार दिया है। और इस टाइम पे अभी मैं अकेली थी, घर में कोई नहीं था, जैसे बच्चे भी नहीं थे ना, तो सामान मैं निकाल नहीं पाई हूँ। जब सब लोग आएंगे तो मैं सामान निकाल लूँगी नीचे। अभी ना बहुत मुश्किल हो रही थी ऊपर में चढ़ कर के सफाई करना, और पकड़ने के लिए भी यहाँ कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने साफ़ किया है ऊपर का एरिया। तो ऊपर की जो प्लास्टिक सीट थी वो मैंने निकाल ली है, और सामान को सब कुछ मैंने साइड में अभी कर दिया है। और चलिए अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये जो छोटी वाली सेल्फ़ दी गई है ना, जो मैं डेली यूज़ के डब्बे वगैरह रखती हूँ, तो इसका भी सारा सामान मैं निकाल करके और बाहर रख करके आई हूँ। बाहर मतलब बालकनी में, वहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो सारे डब्बे यहाँ पे जितने थे सबको मैं बाहर रख कर के आई हूँ। मुझे सारे डब्बे धुलने हैं, और यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है सिंक के पास सारे डब्बे धुलना, बर्तन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। इस वजह से मैं सबको बाहर रख कर के आई हूँ। तो पहले यहाँ पे मैंने झाड़ू मार दिया है एक बार, और फिर गीले कपड़े से पोंछ दिया है, क्योंकि जो धूल यहाँ पे उड़ी थी ना, धूल मिट्टी और सीमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह हो रखी थी, तो फिर मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है। तो वो सेल्फ जो है साफ़ हो गई है, और अब इसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म को भी साफ़ कर लिया है। अभी मैंने सिर्फ झाड़ू मारा है प्लेटफॉर्म में, ऊपर से नीचे तक मतलब पूरा मैंने झाड़ू लगा करके भी साफ़ किया है। और बाकी और जो सफाई का काम है वो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं ये सारे डब्बे जो किचन से उतार करके लाई हूँ ना, तो सबसे पहले मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। और डब्बे यहाँ पे देखने में तो वैसे कम दिख रहे हैं, लेकिन छोटे बड़े जितने भी डब्बे मेरे किचन में यूज आते हैं ना, सारे मैं लेकर के आई हूँ। तो इन सभी को मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हल्के हल्के से बादल छा गए थे, तो मैंने देखा मौका अच्छा है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है ना इस टाइम पे, तो बादल हो गए थे। इस वजह से मैं सबसे पहले बर्तनों इन सभी डब्बों को साफ़ कर ले रही हूँ, और थोड़ी बहुत बर्तन भी थे इसमें, तो सबको मैं ले करके आई थी। बैठ करके आराम से यहाँ पे ये डब्बे वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं, और साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसे रख दिया है यहाँ पर धूप में। मतलब वैसे धूप नहीं है, लेकिन हवा चलती है, तो ये सारे डब्बे सूख जाएंगे और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। जब सूख जाते हैं ना डब्बे वगैरह, तो काफ़ी अच्छे से चमकने लगते हैं। तो ये भी फ़ायदा है यहाँ पे ये सारे कुछ साफ़ सफाई करने का। और सबको मैंने रख दिया है सूखने के लिए। और यहाँ पर ये जो निकली थी ना प्लास्टिक सीट, इसको मैं साफ़ करूँगी। पहले मैंने इसको भिगो के रख दिया था पानी में और निरमा में, तो ये थोड़ा सा भीग गया था। इसके बाद फिर मैं ब्रश ले करके और इसको साफ़ कर दे रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, जो सबसे ऊपर वाली रैक में बिछी हुई थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो गई थी। तो इन सभी को मैं धो कर के और यहाँ पे सूखने के लिए रख दे रही हूँ। तब तक ये सूख जाएगा, और जब तक अब मैं अंदर के सारे काम करूँगी। तो अभी तक जितने मेरे अभी काम हुए ना यहाँ पर, तब तो बादल हो रखा था, लेकिन जैसे ही मेरा सारा काम हो गया ना, उसके बाद बहुत तेज़ वाली धूप हो गई थी, तो फिर मैं आ गई थी अंदर। वैसे मेरा काम भी हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, लेकिन अभी मैं करूँगी किचन की सफाई। इसके बाद ही जो काम होगा वो मैं बाद में करूँगी। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटफॉर्म की सफाई। और यहाँ पर जो भी काम हुआ था ना, तो सीमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चिपकी हुई थी, जो कि स्क्रबर से घिसने पर ही छूट रहा था, पानी से बिल्कुल भी नहीं छूट रहा था। सीमेंट और ये वाइट सीमेंट जो है ना, वो मतलब दोनों तरीके की सीमेंट काफ़ी ज़्यादा इसमें लग गई थी। तो स्क्रबर से मैंने घिसा है, और प्लेटफॉर्म को तो मैंने अच्छे से चमका दिया है, साफ़ हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी इसमें, थोड़ी सी लगी थी, लेकिन जो हमारा सिंक है ना, आप देख सकते हैं सिंक में अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा वाइट सीमेंट लगी हुई थी, जो कि मुझे तो लग रहा था ये पता नहीं साफ़ होगा या नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगी है, फिर मैंने इसको चमका दिया है और काफ़ी अच्छे से ये साफ़ हो गया है। थोड़ा टाइम लगा है, लगभग 5 मिनट मैंने इसको साफ़ किया, तब जा कर के ये साफ़ हुआ है। अंदर का जितना भी एरिया था ना, पूरे में सीमेंट लगी हुई थी। तो कोई भी काम होता है ना घर में, तो ऐसे तो ये सारी गंदगी हो ही जाती है। मतलब काम थोड़ा बहुत जो भी हुआ तो हुआ, लेकिन ये सफाई का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे छोटा सा काम हो चाहे जितना हो, लेकिन ये सफाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, अभी मैंने सिंक को चमका दिया है, और मेरा जो सिंक ना बहुत सुंदर लगने लगा है। इसमें जो टाइल्स की कमी थी ना, वो आज पूरी हो गई। मतलब ये काम मैं बहुत पहले से सोच रही थी करवाने के लिए,
लेकिन अभी काफ़ी टाइम के बाद ये जा कर के पूरा हुआ है। जब मैं इस घर में आई थी ना उस टाइम पे ही मेरा मन था, लेकिन उस टाइम पे हो नहीं पाया था ये काम। और एक कमेंट भी आया था कि आपके घर पे जितने भी काम होते हैं तो उसके पैसे आप लोग देते हो या फिर वही क्वार्टर की तरफ से होता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर क्वार्टर के जितने भी काम होते हैं ना, क्वार्टर मेंटेनेंस का, तो वो सारा काम फ्री में होता है, कंपनी की तरफ से होता है और हमें बिल्कुल भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और एक्स्ट्रा काम अगर कुछ करवाना हो यहाँ पर तो उसके चार्ज लगेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर में जितनी चीज़ें दी गई हैं ना, अगर उतना करवाएंगे रिपेयर, तो उन चीज़ों का पैसा नहीं लगता है। तो बस यही है। और चलिए, सफाई हो चुकी है, प्लेटफॉर्म भी मैंने धुल दिया है अच्छे से, ऊपर की तरफ से बहुत अच्छे से, मतलब मैंने साफ़ कर दिया अभी यहाँ पे। और जो सिंक है ना वो भी साफ़ हो चुका है। साफ़ सफाई का इतना काम तो हो गया है मेरा, देख सकते हैं प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से चमकने लगा है। और अपना किचन थोड़ा सा चेंज भी लग रहा है मुझे, क्योंकि जो नीचे का फ़र्श बना है ना वो थोड़ा सा ऊंचा भी हो गया है। तो पहले क्या था, पहले का जो फ़र्श था थोड़ा सा नीचे था, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई मुझे ज़्यादा लगती थी, लेकिन अभी इस टाइम पे जब से फ़र्श बना है ना तब से प्लेटफॉर्म की ऊंचाई मुझे ठीक लग रही है। तो ये चीज़ हुआ है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है मेरे किचन में, जो कि बहुत अच्छा है मेरे लिए। मैं सोच ही रही थी ऐसा ही कुछ होने के लिए, वरना पहले प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा लगता था। खाना बनाते समय ना थोड़ा सा देर तक अगर खड़े रहो तो हाथ दुखने लगते थे। तो अब मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी अब, क्योंकि ना प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है थोड़ा सा कम हो गई है फ़र्श बनने की वजह से। और यहाँ पर मैंने दरवाजे की भी सफाई कर दी है, दरवाजे में भी काफ़ी ज़्यादा सीमेंट लग गई थी। तो ये सारा साफ़ सफाई का काम चल ही रहा है। और अब लास्ट में बचा हुआ है ये बर्तनों का स्टैंड, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें जो भी बर्तन रखे थे सबको मैंने रख दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे वैसे नहीं हैं, मतलब पानी से भी धुल लूँगी तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें हल्की डस्ट बस लगी है। तो ये सारा कुछ मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले कर लेते हैं स्टैंड की सफाई। स्टैंड को साफ़ करना ना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि इस वाले स्टैंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ में लगने का डर रहता है, और हर बार मेरे हाथ में चोट लग ही जाती है, इस बार भी लग गई। जब भी मैं इसको साफ़ करती हूँ ना इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्क्रैच रहता है जो कि हाथ में लगने का डर रहता है, तो हर बार मेरे लग जाता है, थोड़ा सा ही लगा है लेकिन लग गया है। तो चलिए अब इसको साफ़ कर लेते हैं। और ये जब मैं साफ़ कर रही थी ना उस टाइम पे बारिश का मौसम बन रहा था, फिर से ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ बारिश होगी, और देखते देखते बारिश शुरू भी हो गई थी जब मैं इसको साफ़ कर रही थी उसी टाइम पे। और इस टाइम तक ना बच्चे आ गए थे, तो बच्चों को मैं बोली थी कपड़े निकाल लो, और स्टैंड को मैंने अच्छे से चमका दिया है। तो सारे डब्बे सूख गए हैं, अब चलिए इनको लगा देते हैं रैक पे जहाँ पे ये लगे हुए थे। और यहाँ पर मेरे साथ एक हादसा हो गया, मैं ये जब ये काम कर रही थी ना उस टाइम पे मैं नीचे गिर गई थी, और चोट तो मुझे लगी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी चोट मुझे लगी है। तो यहाँ पर मैं प्लास्टिक सीट लगा रही थी, और मैं टेबल रखी हुई थी, मतलब टेबल के ऊपर मैं चढ़ी हुई थी, और जैसे ही घूम करके मैं नीचे उतरने वाली थी, उतरने से पहले ही मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं नीचे गिर गई। तो वैसे चोट मुझे नहीं लगी है, मतलब ब्लड नहीं आया है, और बस अंदरूनी वाली चोट लगी है, हड्डी जो है ना हाथ के अंगूठे के पास की, तो वो दर्द हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, और बाद में तो उससे भी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता चला, लेकिन मेरा जो नुकसान हुआ ना वो बस यही हुआ, मुझे बार बार लग रहा था मेरे हाथ में जो कड़े हैं ना वो, मतलब एक हाथ का टूट गया है पूरी तरीके से। और ये मैं अभी लेकर के आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस चीज़ का। तो ये जस्ट अभी 2-3 दिन ही मैं इसको पहनी हूँ और आज ये टूट गया, तो मुझे इसी का अफसोस हो रहा था। अन्य बार बार मुझे समझा रही थी कि आपको इसकी पड़ी ये सोचिए कि आपको चोट नहीं लगी, वरना अगर चोट लग जाती ना तो बहुत मुश्किल हो जाती सबके लिए, मतलब घर में सभी को बहुत मुश्किल हो जाता। बस मुझे वो यही समझा रही थी बार बार, लेकिन मेरा ध्यान मेरे कड़े पे जा रहा था कि ये टूट गया है। इतना प्यारा लग रहा था ना, मैं इसको ढूंढ करके लाई थी और ये टूट गया। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा वाली चोट नहीं आई है, मैं बच गई हूँ।
और थोड़ी देर में बैठी थी, एकदम से सन्नाटा सा छा गया था मेरे चारों तरफ। मुझे लगा क्या हो गया, और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने काम में, जो मैं काम कर रही थी ना उस काम में लग गई। क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं था कि मैं बैठ जाऊँ, बहुत ज़्यादा नहीं, और काम भी देख सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा फैला हुआ है किचन। और अगर ये काम मैं नहीं करूँगी ना तो नहीं होगा, ये ऐसे ही रखा रह जाएगा, जो सामान जहाँ पे है बिल्कुल वहीं पे रखा रह जाएगा। तो फिर मैं फिर से लग गई हूँ। चलिए, सारे डब्बे जितने भी है मेरे किचन में रहते हैं उन सभी को मैं रख देती हूँ जगह पे, और जो जैसे रखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही मैं रख रही हूँ, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव करने जैसा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये मेरा सरकारी किचन है। क्वार्टर के किचन ऐसे ही होते हैं, मतलब काम चलाने वाले होते हैं, तो बस वैसे ही मैंने रख दिया है। और बहुत ज़्यादा डब्बे वगैरह मैंने रखे नहीं हैं, छोटे छोटे हैं जो कि मैंने इधर साइड में रख दिए हैं। और जो बर्तन वाला रैक था ना हमारा, उसमें जो बर्तन निकले थे गंदे वाले, सबको मैंने धुल करके रख दिया प्लेटफॉर्म में। प्लेटफॉर्म अभी खाली है ना, तो मैंने यहीं पे रख दिया था, तो इनका पानी जब निकल जाएगा फिर मैं रख दूँगी। तो अभी देखिए, स्टैंड मैंने लगा दिया है बर्तनों का, साइड में अभी लगा हुआ है वो। और जो गैस चूल्हा है, सिलेंडर वगैरह सब मैं लेकर के आई हूँ उस रूम से। बाकी सारा काम तो हो ही गया है, बस ये मेन चीज़ नहीं आई थी किचन में, गैस चूल्हा और सिलेंडर, तो उसको भी मैं लेकर के आई हूँ। और मैंने सेट कर दिया रेगुलेटर, तो आज ना किचन सुंदर दिख रहा है। और जितना यहाँ पे सामान रहता है, जितनी चीज़ें रहती हैं, वो सब मैंने रख दिया है एक एक करके, धीरे धीरे करके। और इस बार ना मैं बहुत धीरे धीरे, मतलब आराम आराम से चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे नीचे थोड़ा पानी भी फैला हुआ है, और जैसे अभी नया फर्श बना है ना, तो उसमें पानी भी डालना ज़रूरी होता है, तो पानी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं धीरे धीरे सारा काम कर रही थी, और एक बार गिरने के बाद हाथ पैर ना बहुत, मतलब कांप से रहे थे अंदर से, और बहुत, मतलब मैं स्लो हो गई थी। धीरे धीरे से ही मैंने अपना सारा काम कर लिया है, और छोटे मोटे काम अभी भी पड़े हुए हैं जो कि मैं करूँगी। लगभग सारा काम मैंने वैसे कर लिया है, ज़्यादा छोटे मोटे और कुछ सामान है जो अभी एक्स्ट्रा डब्बे मुझे मिले हैं ना, उनको भी मैंने धुल लिया है जो कि अंदर रखे हुए थे। और यहाँ पर देखिए, कॉर्नर में मैंने रख दिया है ऑयल के कंटेनर और चॉपिंग बोर्ड, और एक ट्रे रखी हुई है, बस इसको मैंने चेंज कर दिया है। पहले ये इंडक्शन की तरफ में रखा हुआ था, और इसको अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो देखिए, अभी मेरी किचन जो है सेट हो गई है। मेहनत तो बहुत लगी है, सुबह से मैं लगी हूँ, और अभी शाम हो गई है। शाम होते होते मैंने किचन को सेट कर दिया है। आप लोग बताना मेरी किचन कैसी लग रही है। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।